अश्विन का विवादों से पुराना नाता है। कभी विरोधी खिलाड़ी से भिड़ जाते हैं तो कभी अंपायर से। ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ ऐसा हुआ। पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी था। पहला विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहती थी। इसी जद्दोजहद में कुछ नया करने की कोशिश में बवाल मच गया। आपको बता दें कि बात 77 ओवर की है। गेंद फेंकने के बाद अश्विन ने अपने फॉलो थ्रू में ही पिच क्रॉस कर ली, जिस पर अंपायर ने आपत्ति जताई। अंपायर की आपत्ति पर अश्विन भी अड़ गए, क्योंकि उनके मुताबिक सब कुछ नियमों के मुताबिक ही हुआ। कैमरे में दोनों की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई, जहां अश्विन ये कहते पाए गए कि मैं जो भी कर रहा हूं नियमों के अंदर रहकर कर रहा हूं। मैंने इस बारे में मैच रेफरी से भी बात कर ली है। आपको बता दें कि आखिर हुआ क्या था। भारतीय टीम के स्पिनर अश्विन मैच के तीसरे दिन बार बार अपनी गेंदबाजी की वजह से एम्पायर नितिन मेनन को परेशान करते नजर आए। दरअसल अश्विन गेंदबाजी खत्म करने के बाद जब उनके सामने से निकल रहे थे तो नितिन को परेशानी हो रही थी। वहीं सामने से गुजरने की वजह से वो गेंद को सही तरीके से नहीं देख पा रहे थे और किसी तरह की अपील होने पर फैसला देने में सक्षम नहीं थे। अश्विन ने तीसरे दिन जब गेंदबाजी शुरू की तो फॉलो थ्रू में वे डेंजर एरिया के करीब पहुंच रहे थे। अंपायर का मानना था कि अश्विन गेंदबाजी करने के बाद उस एरिया में कदम रख रहे हैं। अंपायर ने एक दो नहीं बल्कि गेंदबाजी के दौरान कई बार उनको रोका। अश्विन को अच्छे से पता था कि वे अपनी हद में हैं और नियम के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने अंपायर नितिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। कप्तान राणे भी बहस के बीच आए और अंपायर नहीं माने। अंपायर का कहना था कि अगर उनके सामने वो आएंगे तो फैसला देने में उनको मुश्किल होगी, लेकिन इस तर्क से अंपायर सहमत नहीं थे। बाद में अश्विन ने भी अपनी टीम की ओर से बात रखी, नियमों का हवाला दिया, तब जाकर अंपायर माने।